हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे. सो वेरी शॉर्ट वीडियो मे बी इन क्वेश्चंस और उनके कुछ आंसर्स के लिए जो मुझसे पूछे गए यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी और पर्सनली भी ओवर द फोन एज वेल. आज जून 29th है और मेरा नाम कमर है. सो क्वेश्चंस जो थे वो मोस्टली सिमिलर थे इन नेचर में कि मेरी रूटीन कैसी थी शुरू के दिनों में खाने की और क्या टाइमिंग थी उनकी. और उसके बाद जो क्वेश्चन था वो मेरा वर्कआउट रूटीन कैसी थी और उसकी टाइमिंग क्या थी. जो थर्ड क्वेश्चन था वो था फास्टिंग के बारे में कि फास्टिंग के लिए जो है वो किस टाइम पे मैं खा रहा था और किस टाइम पे नहीं खा रहा था मैं. सो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो तकरीबन ऑलमोस्ट कम और बेस जो है वो सिमिलर इन नेचर में थे, रेलिवेंट थे एक दूसरे के साथ. उसके बाद था जो फास्टिंग पीरियड था उसमें मेरी जो अगर मैं कुछ वाटर इनटेक्स जो है वो ले रहा था तो वो कौन से थे और अगर नहीं ले रहा था तो क्यों नहीं ले रहा था. कुछ लोगों को क्वेश्चन थे कि कैलोरीज इनटेक्स जो है वो कैसे आपकी पूरी हो रही थी. सो वेरी गुड क्वेश्चंस. उसके बाद अनदर क्वेश्चन था कि मेरी फैमिली इसको मैनेज कैसे कर रही है ये सारी की सारी रूटीन को और कुकिंग और सो दैट्स अ वेरी गुड एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल. उसके बाद था रेसिपीज़ कि जो जितनी फूड्स हैं उनकी अगर रेसिपीज़ मैं अपलोड करूँ तो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. और जो लास्ट में था वो था मेरी ग्रॉसरी लिस्ट, या मैं अगर कोई मैंने कोई चीज़ बनाई हो कि जो मैंने रूटीन से यूज़ की हो तो आप वो शेयर कर दें. सो लेट्स रैप अप दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. सो मेरी खाने की जो टाइमिंग थी शुरू के दिनों में, मैंने बहुत सारी जो चीज़ें थी वो ट्राई की. मॉर्निंग खाया, आफ्टरनून खाया और डिनर खाया, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट जो मेरे लिए वर्कआउट किया वो था सिर्फ डिनर जो है वो फूड खाना और उसके बाद जो है दूसरा वो स्किप करना. और उसके पीछे बड़ी लॉजिकल रीज़न थी जो मुझे काफ़ी देर के बाद समझ आई, क्योंकि जो मॉर्निंग की ईटिंग हैबिट थी वो फेल हो रही थी मोस्टली मेरे लिए शुरू के दिनों में, और सेम आफ्टरनून एज वेल वो मेरे लिए फेल हो रही थी बार बार. तो मैं डिनर जो मैंने वो सेलेक्ट किया वो क्यों किया, उसके पीछे वजह थी. जब हम सोते हैं रात को तो ऑब्वियसली हम तकरीबन 8-10 घंटे की फास्टिंग कर चुके होते हैं. तो मॉर्निंग में अगर आप रश करेंगे कोई भी कैलोरिक चीज़ लेने की तो आपका जो लीवर है वो इन माय अंडरस्टैंडिंग कि वो उस वक्त तो बेचारा उसने कुछ ना कुछ क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया होता है मॉर्निंग में, और आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर खा रहे हैं उस वक्त कैलोरीज वाली या कोई हाई फाई या हैवी नाश्ता आपने किया लोडेड किस्म का, तो वो सारे की सारी चीज़ को जो आपकी पीछे आपने पूरे नाइट की फास्टिंग की हुई है, क्योंकि टेक्निकली नाइट जो है वो स्लीपिंग इज़ अ फास्टिंग, तो वो उसको डिस्टर्ब कर देता है टोटली इन माय एक्सपीरियंस. तो मैंने अपना मॉर्निंग जितना लेट हो सका शुरू के दिनों में वो किया, क्योंकि ऑब्वियसली भूख लगती थी. तो अगर 10 बज रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट इट, अगर 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के आई डोंट केयर अबाउट इट, आई एम गोइंग एज लॉन्ग एज आई कैन इन द मॉर्निंग. इससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि सारी रात जो है वो मेरा जो बॉडी है वो बड़ी स्टेबल किस्म की है रही है, जो ब्लड शुगर्स हैं और क्योंकि मैं फास्टिंग में हूँ ऑलरेडी, तो मॉर्निंग में अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रहा हूँ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, तो वो चलता जा रहा है. अनटिल आई इन मे बी अ वीक मैंने जो है वो 18 आवर्स जो है वो इजीली मार्क मैंने अटेंड यानी कि वो कर लिया, यानी कि 12 घंटे की फास्टिंग रात की इंक्लूड कर लें अगर आप इसको
9 बजे रात को खाते हैं, और उसके बाद 9 o'clock जो है वो 12 घंटे हो गए अगर आपने कुछ नहीं खाया तो। उसके बाद ऐड 3 more hours ऑन, सो 9 और 3 12, सो अगर 12 बजे मैं लंच कर रहा हूँ मैं, सॉरी यस लंच, सो आई विल ईट एट समथिंग दैट टाइम। एटलीस्ट मुझे जो है वो मॉर्निंग में इससे मुझे बड़ी हेल्प उठ रही कि मैं एक्सटेंड करते जा रहा हूँ आस्ता आस्ता। तीसरे दिन चौथे दिन आई एम गोइंग टू 1 a 1 pm 2 pm 3 pm। विद इन 2 weeks जो थी वो मेरा वो मेरी एनर्जी लेवल इतनी वो प्रैक्टिस हो गई हुई थी कि मैं आई कैन गो इन टू 4 pm और 5 pm ईजीली, और लास्ट नाइट का खाया हुआ खाना। लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि आपका लास्ट जो मील है वो डिसाइड करता है कि आप नेक्स्ट कितना जो है वो एक्सटेंड करेंगे, एंड आई ट्राई दैट। और मैंने ये यानी कि वो टोटके आजमाए भी शुरू के दिनों में, कैसे अगर मैं कोई चावल रोटी अगर मैंने रात को खाई है, फॉरगेट अबाउट इट, मैं उस दिन जो है वो नेक्स्ट डे 9 बजे सुबह उठ के भूख लग रही है मुझे, क्योंकि क्रेविंग्स आ रही हैं उसके ऊपर। सो इसलिए मैंने जो लास्ट मील थे वो बड़े वाइजली चूज़ किए, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया, क्योंकि उनसे मुझे एक्सटेंशन मिलती गई मिलती गई मिलती गई मिलती गई। सो ये थी मेरी सुबह की जो जो अर्ली रूटीन्स थी, उसमें मैंने जो मेरे ऊपर सबसे बेस्ट वर्कआउट किया वो ये था कि स्किपिंग दी मॉर्निंग मील, एक्सटेंडिंग एज मच एज पॉसिबल, डजंट मैटर, लेकिन जैसे ही भूख लगी आई विल ईट समथिंग। उसमें आप क्या डिसाइड करते हैं, कैलोरिक लेना चाहते हैं या नॉन कैलोरिक लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने अभी मॉर्निंग से, ये मेरी सेकंड कॉफ़ी है और ये डी कैफ है, ठीक है, इसमें कोई मैंने क्रीम डाली हुई है इसमें थोड़ी सी, लेकिन कोई वैसे उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। सो ऑब्वियसली कैलोरीज इनटेक तो है इसमें, लेकिन इसका जो इंसुलिन लेवल जो शुगर लेवल जो है ना, उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं है क्रीम की वजह से, और ऑब्वियसली क्रीम जो है वो मोर फैट है, सो बड़ी लाइट सी फैट मैंने ली है। लेकिन अगर इसके अंदर चीनी या कोई मीठा, तो दैट विल बी अ होल डिस्टर्बेंस, टोटली मेस अप द बॉडी। तो मेरी ये रूटीन है और तब भी थी, एक्सटेंड दी मॉर्निंग जितनी लॉन्ग हो सके, तो ये मेरे लिए वर्कआउट किया शुरू में, और मैं अभी भी इसी पे हूँ, अभी भी मैं इसी पे हूँ। आई ओनली ईट इन द नाइट, वो कोई टाइमिंग भी हो, आई टेक टाइम टू प्रिपेयर माई मील, एंड ट्रस्ट मी सम डेज इफ यू सी माई मील कि मैं कैसे तैयार करता हूँ, मैं यू विल बी सरप्राइज मे बी। ओके, सो दैट्स द नंबर वन थिंग कि मेरी टाइमिंग क्या थी शुरू के दिनों में। सेकेंड थिंग इज़ के वर्कआउट डिटेल, वर्कआउट जो है वो मैं किस टाइम पे करता हूँ, 4 pm से लेके 7 pm तक मैं कोई भी वो पकड़ लेता हूँ वर्कआउट के लिए। क्यों, मैंने पहले वीडियो में बताया कि मेरा वर्कआउट जो है वो सारे का सारा फास्टिंग स्टेट में होता है, फास्टिंग स्टेट के मैंने कोई मील नहीं ली हुई, कॉफ़ी चलती रहती है लेकिन मील नहीं, कोई सॉलिड मील नहीं ली। क्यों, जब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था तो उस वक्त रूटीन डिफरेंट थी, मैंने 4 घंटे पहले घंटे कोई ना कोई प्री वर्कआउट मील लिया या प्री वर्कआउट चीज़ें खाई हैं, वाइटामिन वट एवर, लेकिन उससे मेरी बॉडी बढ़ रही है, गेनिंग मोड में है, ना कि बर्निंग मोड में है। तो मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड किया कि अगर मैं फास्टिंग स्टेट में वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने बड़ा वाइजली इस चीज़ को नोटिस किया कि मैं काफ़ी हैवी वर्कआउट नहीं कर सकता, मीन्स मैं लाइट वॉक पे जा सकता हूँ, लाइट रन पे जा सकता हूँ, लेकिन टोले शोले बनाना और वेट लिफ्टिंग करना हैवी नो, क्योंकि मैंने ट्राई किया लेकिन उससे प्रॉब्लम्स ये थी कि मुझे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो काफ़ी फ्यूल चाहिए बॉडी को वो हैवी लिफ्टिंग के लिए। सो मैंने मॉडरेट एक्सरसाइजें जो हैं वो चूज़ की, जिनमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो लाइट रन थी, लाइट वॉक थी, नथिंग एल्स, नो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल, नथिंग, नो। उसकी वजह यह है कि जब आप फास्टिंग में हैं तो आपको एक्चुअली जो मैंने नोटिस किया कि वर्कआउट जो है वो इतना हैवी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है आपकी प्रोटीन्स मेरे ख्याल से डैमेज होने का जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास इतनी फ्यूल सोर्स नहीं है, और जो फैट है
जो आप जो हमारे अंदर है वो कोई इतना हैवी फ्यूल नहीं है, वो बड़ा लाइट सा फ्यूल है बॉडी के लिए। तो बॉडी मॉडरेट जो है वो इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी में आपके फ्यूल को, आपकी फैट फ्यूल को ज़्यादा इजीली बर्न करती है, ये मेरे एक्सपीरियंस में था। तो लाइट वॉक, लाइट रन इफ़ यू कैन, फास्टिंग में इसने मुझे ट्रिमेंडसली हेल्प आउट किया। इससे मेरी भूख बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो गई, इंतहाई ज़बरदस्त लेवल की। उसकी वजह क्या है कि जब भी मुझे भूख लगती थी अर्ली के दिनों में, 14 घंटे के बाद आई विल गो आउट एंड हैव अ क्विक रन। एंड बिलीव मी, जब मैं घर आता हूँ तो मुझे पता नहीं होता था कि भूख क्या है। रीज़न क्या थी? माई लिवर इज़ फंक्शनिंग मोर बेटर, क्योंकि जब हंगर हार्मोन जो है वो शट डाउन होते हैं या बड़े लो लेवल पर चले जाते हैं आपकी वर्कआउट के बाद, तो लीवर नीड टू फाइंड समथिंग एट दैट टाइम कि बॉडी को जो है वो फ्यूल कैसे देना है। सो दैट टाइम जो है वो एक तो आपकी अगेन आपकी ऑटोफेजी जो है वो अगर ऑलरेडी है तो वो और पीक पे चली जाती है। हार्मोन ग्रोथ लेवल जो है वो दे आर एक्चुअली एट अ गुड लेवल एज वेल। उसके बाद आपकी जो है फैट बर्निंग जो है प्रोसेस इज़ एट द हाईएस्ट लेवल। वाई? क्योंकि लिवर इज स्टार्टिंग टू ब्रेक डाउन योर फैट्स, और फैट में आपको पता है कि अप टू 70 और इतना जो है वो वाटर होता है। तो बॉडी जो है वो अंदर से ही हर चीज़ को ख़त्म करके, रिसाइकल करके, बैड और डैमेज सेल्स को रिसाइकल करके, तो आपको वो रिप्लेनिश करती रहती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज फास्टिंग स्टेट में। तो इसलिए दीज मैजिक थिंग्स हैपन टू मी एट लीस्ट। ऑलराइट, सो अनदर थिंग इज़ जो क्वेश्चन था वो ये था कि वर्कआउट के बाद मैं क्या खाता हूँ। आई डिड नॉट ईट एनी थिंग आफ्टर द वर्कआउट। उसकी वजह ये थी कि वर्कआउट के बाद ही तो बॉडी एक्चुअली इज़ एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ बर्निंग स्टेट इन माई ओपिनियन। एक डॉक्टर ने बात बताई थी, उसने उसकी जो मुझे समझ आई उसमें ये था कि इमेजिन आपने इतनी मेहनत करके आपने किसी चीज़ को यानी कि वो फॉर एग्जांपल आप अगर आप लोहे की भट्टी में काम कर रहे हैं और आप बड़ी मेहनत के बाद आपने भट्टी जो है वो टोटली इस लेवल तक लेके आए हो कि उसमें आप लोहा जो है वो पिघला सको, और आप इमेजिन करो आप उसके ऊपर कोई पानी डाल दो। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी जो है वो स्टार्ट बर्निंग प्रोसेस इतना वो है वो हुआ होता है फास्टेस्ट मोड पे बर्निंग स्टेट के लिए, कि अगर आप उसके बाद कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो कैलोरिक वाली या कुछ भी, आप शट डाउन कर ले हो इंटरनल सिस्टम को, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो हाईएस्ट बर्निंग स्टेट पे है, बॉडी स्ट्रेस मोड पे होती है, वो ढूंढ रही होती है कि मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं बॉडी की जो है वो रिपेयर कर सकूं, जो मसल डैमेज हुए हैं वो रिपेयर कर सकूं, या जो रिसोर्सेज उसके पास थे वो डिप्लीटेड हुए हैं तो मैं उनको रिपेयर कर सकूं। तो जो बॉडी है अल्लाह ने बड़ी ही वो एक्सीलेंट जो है वो तरीके से बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है कि स्ट्रेस मोड में वो हर एक कोशिश करती है कि उसको रिवाइव कर सके, इसको अलाइव रख सके। और उसी वक्त तो उसकी स्मार्टनेस शुरू होती है लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इमेजिन करें कि उसको आप जितना एक्सटेंड करेंगे वो टेक्निकली उतना ही बेहतर रहना चाहिए। सो मेरे लिए ये बड़ा ही बेहतरीन काम किया। वर्कआउट के बाद अगर मैं 4 बजे वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, और ऑल द वे मैं फास्टिंग स्टेट में आ रहा हूँ, वाटर इनटेक चल रहा है 4 बजे 5 बजे जब भी ख़त्म किया, उसके बाद मैं टाइम लूँगा एक बेहतरीन सा अपना मील प्रिपेयर करने के लिए। उसके दौरान अगर मुझे कोई क्रेविंग आ रही है, जो कि आती नहीं थी 2-3 हफ्ते के बाद, मेरी बॉडी ऐसे थी टोटल बड़े नाइस फंक्शन में चल रही थी, एप्पल साइडर विनेगर लिया अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग आ रही है तो उस वक्त, अगर जस्ट इन केस, और साथ में मील प्रिपेयरिंग हो रही है जो आपने वीडियोस कल देखी, और वो मील मेरा जो था वो डिसाइड करता था कि आई विल हाउ लॉन्ग आई विल गो द नेक्स्ट मंथ फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे जो था वो मेरी टाइमिंग शुरू में 2-3 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आई वॉज इन टू इट, मेरा ऑलमोस्ट 6 kg जो था वो डाउन हो चुका हुआ था जो कि 3 वीक्स में।
एंड आई अंडरस्टैंड उसमें वाटर वेट जो था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि आई कैन गेन बैक अगेन, जैसे अगर मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ, बैक टू माई ओल्ड हाइट, आई विल डेफिनेटली गेन बैक, क्योंकि ये हो चुका हुआ था मेरे साथ पहले भी. सो सरप्राइज नहीं था मुझे कि भाई 6 kg डाउन हुआ है. आई न्यू कि अगर एक भी डिस्टर्बेंस हुई तो ये पुट ये वापस आ जाएगा. ओके सो दैट वाज द वन अनदर थिंग अबाउट दैट. देसी फूड जो ट्रेडिशनल फूड होता है उसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मेंटेनेंस मोड में महीने में 2-3 मरतबा जो है वो ऐसा हो जाता है कि जो ट्रेडिशनल देसी फूड है वो मैं आराम से खाता हूँ. आइसक्रीम पे जा रहा हूँ, काकरेन की आइसक्रीम, आई लव इट. अगर वहाँ पे फैमिली 1 स्कूप ले रही है, आई टेक 3 स्कूप्स, सो आई ईट इट. पिज़्ज़ा, आई विल गो क्रेजी, आई विल ईट पिज़्ज़ा अ लॉट, यू नेम इट. ड्रिंकिंग सोडा, अगर अगर दिल कर रहा है आई विल डू इट, बट ट्रस्ट मी, उसके बाद यू हैव टू सी मी इन द वर्कआउट, आई विल गो क्रेजी. सिंपल इज दैट, नथिंग गोज इन माई बॉडी दैट आई कॉन्ट बर्न, पीरियड. सो मे बी दैट आंसर योर क्वेश्चंस, कि अगर वो दिन आया है जिसमें मैंने फुल डट के खाया है, अपने सारे कम्बिनेशन ब्रेक किए हैं मैंने, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इकट्ठा लिया, नो प्रॉब्लम, इट थिंग्स हैपन, दिस इज़ अ लाइफ. आप इन चीज़ों से ऑनेस्टली यू विल फील बोर, अगर आप अपने आप को आइसोलेट करते हो उन चीज़ों से, यू विल बोर. और ये मेरे साथ हो चुका हुआ था, आई गेट सैचुरेटेड समटाइम्स. सो इस ये चीज़ नहीं है कि मैंने एक बार चीट कर लिया एंड ओ हो ये क्या हो गया, नो 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 नो, जस्ट जस्ट रीसेट इट. लेकिन ये शुरू में नहीं था, शुरू के जो 3 मंथ्स से आई वाज ऑन आई वाज टेकिंग एट अ रिलीजियस लेवल कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना. लेकिन जब बॉडी सेटल्ड हो गई, इट टेक्स मी सीरियसली, सिर्फ और सिर्फ अगर लेट्स से मैं कोई बड़ी ही ट्रेडिशनल डाइट पे जा रहा हूँ, हलवा पूड़ी खाने जा रहा हूँ, तो आई कम होम, आई गिव अ प्लंटी ऑफ टाइम, 6-8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स आफ्टर द फूड, एंड आई हिट द जिम, वर्कआउट एट होम. और उसकी आई फाउंड, मैं कोई इतना स्ट्रांग बिलीवर नहीं था वर्कआउट का एट होम ना, क्योंकि मैं कहता था ऐसा नहीं हो सकता, आई वॉज रॉन्ग. वर्कआउट एट होम यू कैन डू ट्रिमेंडसली वेल एंड बेटर देन एक्चुअली सम टाइम एट द जिम. उसकी मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी पहले कि 60 मिनट्स इंटू 6 मिनट्स, अगर आप वो देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्कआउट एट होम इज़ एब्सोल्युटली फाइन. आई लिव इन अ स्मॉल अपार्टमेंट और इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन आई स्टिल मैनेज इट एवरी डे, और आई गो रन आउटसाइड टू. सो आई हैव सम नाइस क्लिप्स, आई हैव सम नाइस वीडियोज़ जिसमें कि हाउ टू डू वर्कआउट एट होम, वो कि हाई फाई इतने फैंसी फुंसी नहीं है, लेकिन यू विल गेट द आइडिया, क्योंकि मेरा इस यूट्यूब पे पर्पज़ ही यही है कि यू गेट द आइडिया हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड हाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल एज वेल, रॉकेट साइंस नहीं है. टाइमिंग ऑफ माई फास्टिंग एंड टाइप ऑफ फास्टिंग जो है वो ये क्वेश्चन था कि लोगों ने पूछा कि जी मैं ड्राई फास्ट करता हूँ, पानी वगैरह के मैं वाटर इनटेक जो है वो 24 आवर्स में लेता हूँ, 20 आवर्स में जो मैं फास्टिंग में हूँ वो लेता हूँ, लेता हूँ, लेता कि नहीं लेता. क्वाइट ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर. वाई, लेट्स से अगर आप ड्राई फास्ट में हो, जैसे हम रमजान करते हैं, तो वट हैपन्स टू द बॉडी, बॉडी स्टिल स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल अलाइव. और अगर आप पानी पीते हो तो बॉडी स्टिल सर्वाइविंग. लेकिन व्हाट आई फाउंड, जो मैंने चीज़ नोटिस की कि अगर मैं ड्राई फास्ट कर रहा हूँ ना, जैसे रमज़ान में, तो इट्स अ लॉट बेटर. मेरा मैंने नोटिस किया कि जो फैट लॉस का जो रेट था वो ज़्यादा था कंपेयर टू कि मैं वाटर इनटेक जो है वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है. उसकी रीज़न क्या थी, लास्ट रमज़ान में मैंने
जस्ट सहरी इफ्तारी से पहले 1 घंटा मैंने रनिंग की, नो स्किपिंग इवन इन द रमदान टू, ठीक है। तो मेरा स्वेटिंग लेवल इतना नहीं होता था रमज़ान में, क्योंकि बॉडी इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन द फैट्स मोर, उसमें से फैट में से ऑब्वियसली जो जो वाटर जो कंटेंट्स है वो लेके बॉडी को रिप्लेनिश कर रही है, तो आपकी स्वेटिंग इतनी नहीं होती। इट्स सो सो स्मार्ट राइट। तो और अगर मैं नॉर्मल डेज में वर्कआउट करता हूँ या रनिंग पे जाता हूँ तो आई स्वेट अ लॉट देन। व्हाई? क्योंकि आई एम टेकिंग इनटेक ऑफ द वाटर टू। सो एट द एंड ऑफ द डे सीरियसली इट डज नॉट मैटर, बट आई फाउंड पर्सनली कि अगर मैं ड्राई फास्ट पे हूँ तो द बर्निंग स्टेट इज मोर बेटर देन दैट। लेकिन अगेन टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, ये माई ओन कैलकुलेशन है। लेकिन सम डेज आई डू drink coffee. I'm a very coffee addicted person. Decaf, I take decaf. So that's how I do it. Timing maine aapko already bata di kya what were my times, how my family reacts to it. Okay, so I don't want to say it loud taki meri wife sun na de. Shuru ke dinon mein kaafi sunni padi. I hope she is not looking. Okay, no. तो शुरू के दिनों में काफ़ी सुननी पड़ी, लेकिन भाई देखो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है सो दे मस्ट सपोर्ट यू, ठीक है। एंड आई फाउंड अनदर वेरी सीक्रेट, ओके कम क्लोजर। सम डेज यू कुक फॉर देम एज वेल एंड ट्रस्ट मी दे विल बी हैप्पी, एंड द नेक्स्ट डे दे विल आस्क यू ओके गो यू नो कुक योर ओन मील सो so you can feed them too. So that's a secret. So in short, they must support you if they like you or if they love you. And that reminds me another thing as well. If you are married or agar aap shaadishuda aur aapke bacche bhi hain, to they learn from you. Maine kya experience kiya ki jab meri health theek nahi thi to jo bacche hain they honestly did not care much because वो मुझे ही shadow कर रहे थे। If I'm depressed, they are depressed too. अगर मुझे anxiety है उनको भी kids anxiety है, ठीक है। मैं उनके साथ बाहर नहीं जा रहा, खेल नहीं रहा उनके साथ, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी when I work out at home, my youngest one जो है वो 3.5 years की, वो मेरे साथ workout करती है। वो शुरू से पहले start हो जाती है, ठीक है। So they are motivated too. I take my kids to run, जो eldest one है जो 11 साल की है, और उसके बाद जो third पे छोटी है वो उसको भी मैं I can take her out too as well. So honestly, अगर आप healthy जो है लाइफ स्टाइल पर चल रहे हैं तो आपकी जो फैमिली है they actually do support you if you play wisely. That's my experience. They are more happy for you. They do the exact same thing जो आप कर रहे हो। सो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। ओके सो दैट नेक्स्ट वन इज़ द रेसिपीज। मैं इतना कोई वो हाई फाई रेसिपी वाला बंदा नहीं हूँ। आई टुक ऑल दोज पिक्चर्स जो थी वो मैंने शो की ऑनेस्टली जस्ट आफ्टर टू कीप द रिकॉर्ड फॉर माई सेल्फ के some days if I forget something then I need to know कि मैंने क्या खाया था और मैं किस जगह पे आया था। so I do make some videos sometime, short clips, जैसे कि कैसे बन रही है, लेकिन वो इतनी कोई हाई फाई लेवल की नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट नाइट जो थे वो बकवीट का पुलाव बनाया मैंने लैम्प के साथ। शक्ल से शायद इतना अच्छा ना लगता हो लेकिन इट टेस्ट एक्सट्रीमली गुड and satisfying, and I only had that meal last night. Aur is waqt jo hai wo next day hai, and just a coffee and no issues at all. Very nice day is going. I will go for a run evening mein, to ya workout at home jo hai wo chalega. To that's how I do it.
तो अगर आप उन रेसिपीज़ को बड़ी वो हाई फाई एडिटेड वाली नहीं है, लेकिन यू विल गेट द पिक्चर कि ये बनती कैसे हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इनको चाहिए। सो आई विल शो इन इन दिस वीडियो इन द एंड, जो मैंने लास्ट कल बकवीट पुलाव बनाया था मैंने, सो यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, यू कैन मेक योर ओन वे एज वेल, आप उसमें इंग्रेडिएंट्स इधर उधर कर सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। ओके सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में मैं शेयर करना चाहूँ, जो मुझसे पूछा जाता है, वो है कि मेरी ग्रोसरी जो है आइटम्स वो क्या है व्हेन आई गो आउट एंड बाय समथिंग। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट जो कि मैंने बाय क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने सो मैंने उसकी एक अच्छी खासी जो है वो लिस्ट बनाई मैंने, जो आई एम शेयरिंग ओवर हियर। आप उसको उस लिस्ट को देख सकते हैं, इट्स इन द पिक्चर। आप चाहें तो पिक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे ले सकते हैं। तो उसमें वेजिटेबल से लेके आपको ऑलमोस्ट हर ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी जो मैंने इस्तेमाल की पर्सनली लेवल पे। तो सो ये थी आज की डिटेल्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और स्टिल थिंग्स आर अनक्लियर, प्लीज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आई विल टेक टाइम टू आंसर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर वो किसी को इस ट्रांजिशन में हेल्प कर सकता है। और ऑफ कोई क्वेश्चंस हैं आपको, यू कैन आस्क मी ऑन फेसबुक एज वेल। इवन दो आई एम वेरी बिजी पर्सन इन लाइफ टू, बट ट्रस्ट मी आई विल टेक टाइम टू गिव यू सम टिप्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और होपफुली वो आपके लिए जो है वो हेल्प आउट हो सकेंगे। बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू इफ आई इवन ड्रीम अबाउट गोइंग बैक टू माई प्रीवियस लाइफ, दैट स्केयर्स मी अ लॉट। सो इसलिए मैं जो लाइफ स्टाइल है उसको मेनटेन रखना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट मी, आप ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 2 महीने आपने किया या 3 महीने ऐसा किया एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप यू आर गोइंग इन टू द रिवर्स मोड। फ़ायदा क्या उसका? ठीक है, नथिंग। सो मेंटेनेंस में यू विल एंजॉय अ लॉट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सम डेज आई जस्ट वॉन्ट गो आउट एंड बोटिंग ऑल डे एंड नो हंगर फीलिंग एट ऑल, एंड आई एम सो हैप्पी इतना कि आई कॉन्ट एक्सप्रेस इवन। और उससे पहले हर वक्त खाने की प्रॉब्लम होती थी, खाना क्या है, खाना क्या है, खाना क्या है। सो नो मोर एंड आई एम हैप्पी। कुछ लोगों में से पूछते हैं, यार तुम्हें भूख नहीं लगती? ट्रस्ट मी, नहीं लगती, लेकिन जब लगती है एंड आई ईट वेरी वाइजली एट दैट टाइम। अगर मैं आउटसाइड पे हूँ, आई पिक लेट्स से इफ आई एम आउट एंड आई हैव अ मिडल ईस्टर्न ऑप्शन है मेरे पास खाने की, तो आई विल टेक सैलड, आई विल टेक मीट ऑन द सैलड। ओके श्योर, नो शवारमा फॉर मी। ऐसे ही अगर मैं किसी चीज़ पे हूँ, किसी और जगह पे हूँ जहाँ पे अवेलेबिलिटी किसी और चीज़ की है, तो अगर मैं मैकडोनल्ड पे हूँ, आई विल जस्ट गेट अ कॉफ़ी विद वन क्रीम, नो प्रॉब्लम। पार्टिसिपेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं और किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लेफ्ट अलोन, नो एब्सोल्युटली नॉट। मुझे आई बीन इन टू दिस वन फॉर ओवर ईयर एंड हाफ और मोर, और मेरा जो ड्रॉप वेट था वो इट हैपन इन अबाउट 5 मैक्सिमम 5 मंथ्स, जो है 5 से 6 मंथ में मैं मेरा आइडियल वेट आ चुका हुआ था। उसके बाद फ्लक्चुएशन होती रही, समटाइम आई विल ईट क्रेजी जस्ट खुशी में कि आई एम ईटिंग अ लॉट। सो दीज थिंग्स विल कम जो है ना वो आपकी लाइफ में, लेकिन प्रॉब्लम जो मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये है कि कमिट टू इट। इफ सम डेज, इवन अर्ली डेज में भी आपसे यू नो यू आर ऑन ऑफ ट्रैक, या दैट्स ओके, यू नो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट ये नहीं है कि आप यू आर सिटिंग एट द यू नो फ्रंट ऑफ द टीवी एंड जस्ट हॉपिंग ऑन द पॉपकॉर्न्स और पोटेटो चिप्स चल रही है, ओ दैट विल डिस्टर्ब अ लॉट।
आई थिंक आई विल कवर वन मोर थिंग ओवर हियर. जो मुझे सबसे अच्छी पसंदीदा चीज़ थी वो थी आलू. और इस वक्त जो मैंने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा छोड़ा हुआ ना, और वो आलू ही है. ओके, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे. आई होप आप को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी इसमें से. इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड अगर कोई क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय टू एवरीबॉडी, टेक केयर.